ये क्वेश्चन जेई कैट आईपी मैट इन सब एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द एरिया ऑफ द रीजन सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटीज मोड एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू वन, वाई इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो, वाई इज लेस देन और इक्वल टू वन। तो बच्चों जब भी ऐसे इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन आए ग्राफ में, तो सबसे पहले आप इनइक्वालिटी को हटा के इक्वालिटी लगाओ और सोचो ग्राफ कैसा बनेगा। अगर मैं कहूं इसको मोड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन बोल सकता हूं, या मैं इसको क्या बोल सकता हूं, वाई इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस वन का ग्राफ बनाना है मुझे। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बहुत बार बताया है, वाई इज इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ हो तो वो तो ओरिजिन पे उसका वर्टेक्स होता है, ये वाई इज इक्वल टू मोड एक्स का है, और वाई इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस वन का मतलब क्या, वन यूनिट नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो आइए मैं बनाता हूं ग्राफ। ये मैंने एक्स एक्सिस बनाया और ये मैंने वाई एक्सिस बनाया। हमारा ग्राफ कौन सा बनाना है, वाई इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस वन का, तो मोड एक्स माइनस वन का मतलब मैं एक यूनिट नीचे चला जाऊंगा, कुछ इस तरह से मेरा ग्राफ बनेगा। तो प्यारे बच्चों ये किसका ग्राफ है, वाई इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस वन का ग्राफ है। अगर कोई मुझसे पूछे भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो कोमा माइनस वन, ठीक है। अब वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है, मैं थोड़ी देर के लिए इसको वाई इज इक्वल टू जीरो सोचूं, तो वाई इज इक्वल टू जीरो तो हमारा क्या होता है बच्चों, एक्स एक्सिस। वाई इज इक्वल टू जीरो हमारा क्या होता है, तो ये वाई इज इक्वल टू जीरो है बच्चों, ठीक है। अब आ जाओ वाई इज लेस देन और इक्वल टू वन, तो पहले वाई इज इक्वल टू वन सोचूं, तो एक लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वन यूनिट अबव इट, तो कुछ इस तरह से, इससे एक यूनिट ऊपर है, दिख गई है ग्रीन कलर की लाइन, ये किसकी किस किसकी इक्वेशन है, वाई इज इक्वल टू वन की, ठीक है। अब मेरे को एरिया कौन सा बताना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे जो एरिया बताना है वाई इज लेस देन और इक्वल टू वन। प्यारे बच्चों ये पॉइंट कौन सा है पहले तो ये बताओ, जीरो कोमा, तो वाई कोऑर्डिनेट इसका वन है, तो वाई वन से नीचे होना चाहिए, समझ लो, और ये हमें बता रहा है वाई जीरो से ऊपर होना चाहिए। तो कौन सा वाई एक्सिस पकड़ रहा हूं मैं, ये देखो इसको मैं ना कलर देता हूं ब्लैक कलर, देखो आप मेरा ये दिख रहा है, ये ब्लैक कलर के आसपास जितना भी एरिया सराउंड है, ये ब्लैक कलर जो है ना वाई एक्सिस पे, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि वाई इज लेस देन और इक्वल टू वन और वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। और फिर आपने ये वाला भी तो ग्राफ देखना था जिसको मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया था, और साथ साथ ये देखे तो ये सारा एरिया हो रहा है, देख रहे हो ये वाला, मैं इसका कोई और कलर कर देता हूँ, पिंक कर दूं, देख रहे हो ये पिंक कलर वाला एरिया, मेन मुझे ये पिंक कलर वाला एरिया निकालना है बच्चों। तो ये पिंक कलर की क्या नजर आ रही है आपको, ट्रेपीजियम, वेरी गुड, ये तो आप समझ गए। तो ये जो हमारा ये वाला ग्राफ है, ये अब मैं कोऑर्डिनेट निकालने में इंटरेस्टेड हूं, बहुत सही, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं बच्चों। मुझे ये बताओ अगर मैं आपसे पूछूं ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जब कट करेगा तो कौन सी चीज जीरो होगी, ये वाला ग्राफ जब एक्स एक्सिस को कट करेगा तो कौन सी चीज जीरो होगी, वाई, तो मोड एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो मोड एक्स इज इक्वल टू वन, तो एक्स या तो प्लस वन होगा या फिर माइनस वन होगा, ये बात समझे या नहीं समझे। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए देख रहे हो ये वाला, ये क्या आ गया, माइनस वन जीरो बिल्कुल वन जीरो, क्या बात है। और ये जो डिस्टेंस है ये वाला ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये वाला टू, इसका नाम भी रख दो इस ट्रेपीजियम का कुछ, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ए बी सी डी, तो ए बी, ए माइनस वन जीरो पे है, बी वन जीरो पे है, तो ए बी डिस्टेंस माइनस वन से वन कितना डिस्टेंस होता है, टू, और हाइट तो मुझे पता ही है वन, इस ट्रेपीजियम की हाइट भी मुझे पता है वन। अब मुझे डी के कोऑर्डिनेट निकालने और सी को, सी के कोऑर्डिनेट निकालने,
जब ये ग्राफ वाई इज इक्वल टू वन पे कट कर रहा है, कौन सा ग्राफ? ये वाला, मोड एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वाई। जब ये वाई इज इक्वल टू वन पे कट करेगा सी पे और डी पे, तो वाई मैं उस जगह पे क्या रखूंगा बच्चों? वन रखूंगा। वाई मैं उस जगह पे क्या रखूंगा? तो अगर मैंने वाई वन रखा बच्चों, मोड एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन, मोड एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स आ गया प्लस टू, मतलब ये वाले कोऑर्डिनेट भी आपको पता लग गए, डी के कोऑर्डिनेट हो गए माइनस टू और वन, शाबाश। सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? टू और वन। और अगर आपसे कोई पूछे सीडी डिस्टेंस कितना हुआ माइनस टू से टू, और क्या बात है यार, अभी ट्रेपीजियम की डायमेंशंस पता लग गई। एक डायमेंशंस क्या है? टू। सम फॉर्मूला क्या होता है बच्चों ट्रेपीजियम के एरिया का? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन, एक पैरेलल साइड टू पता लग गई, एक पैरेलल साइड फोर पता लग गई, और हाइट क्या थी बच्चों? ये वन याद आया, तो 3 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर है। तो बहुत ही जबरदस्त सवाल, आंसर क्या बच्चों? 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो बहुत ज्यादा जबरदस्त सवाल है, आई थिंक सबको समझ आ गया होगा।